नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके आंखों में रेडनेस आ गई है उसे आई स्लॉट बोलते हैं, जो कि आंखों में खून जम जाता है और जिससे कि आप आंख थोड़ा भी क्लोज करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा चुभता है, बहुत कोई को जलन देता है, बहुत टाइप के होते हैं कि बहुत कोई का जो सिम्टम्स होता है, किसी को जलन देता है, किसी को चुभते हैं, किसी को नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मैं आपको आज बताऊँगी कि आप कैसे घर बैठे बैठे एक चीज़ का यूज़ करके अपनी आँखों की रेडनेस को कैसे दूर कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ये चीज़ आपको क्यों हुआ। पहली बात, आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे होंगे, उससे आपको हुई होगी, और आपको थोड़ा भी आँख में इचिनेस हुई होगी तो आप पूरा रब कर दोगे आँख को, जिससे कि आपको रेडनेस हो गई होगी और धीरे धीरे करके वो इन्फेक्ट हो गई होगी उस एरिया पे और आपका वो जान नहीं हो रहा होगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा होगा, ये भी रीज़न है। या फिर आप बहुत ज़्यादा देर तक बैठे बैठे कंप्यूटर या फिर फ़ोन या फिर किसी भी चीज़ स्क्रीन टाइम ज़्यादा देख रहे हो, आप स्क्रीन ज़्यादा देख रहे हो जिससे कि लगातार देखने से आपके आँख में रेडनेस हो रही है, आप अपने आँख को आराम नहीं दे रहे हो, आँख को क्लोज नहीं कर रहे हो, कंटिन्यूसली वॉच किए जा रहे हो, कंप्यूटर चलाए जा रहे हो या फिर फ़ोन चलाए जा रहे हो, इससे भी आपके आँख में प्रॉब्लम हो जाता है और आँख रेड हो जाती है और जिससे कि आपको प्रॉब्लम होती है। और ये एक रीज़न भी हो सकता है कि जो पर्सन, अगर आप मार्केट गए और आपके सामने वाला पर्सन स्मोक कर रहा है और उस वो स्मोक से जो उसमें धुआं निकलेगा, अगर वो चीज़ आपकी आँखों में जा रहा है तो बहुत कोई को होता है, इससे भी इरिटेट हो जाती है उसकी आँखें और आँख रेड हो जाती है, फिर उसके हमारे आँख में प्रॉब्लम होने लगता है। तो इसीलिए अगर आपको इट डिपेंड्स ऑन बॉडी, किसका बॉडी कैसा है, ये चीज़ हर कोई को नहीं होता है, किसी किसी को ही होता है, बिकॉज सबका बॉडी सेम नहीं होता है। तो इसीलिए किसी किसी को होता है धुएं से, मेरे को नहीं होता, बहुत कोई को नहीं होता होगा, लेकिन आपको हुई है, आप सोच रहे होंगे मेरे को कैसे हुआ, तो मे बी आप बाहर गए होंगे और आपके सामने वाला पर्सन स्मोक कर रहा होगा, वो धुआं आपकी आँखों में लग गया होगा, तो इससे भी आपकी आँख रेड हो सकती है। अब मैं ये तो आपको बता दूँ कि ये चीज़ आपको क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब मैं आपको बताती हूँ आप कैसे ठीक कर सकते हो। तो सबसे पहले जो यहाँ पर आप देख रहे हो, मेरे पास एक ट्यूब है, ये है आई ट्यूब और इस ट्यूब का नाम है ओमीफ्लॉक्स, और ये ओमीफ्लॉक्स आपको केमिस्ट शॉप में मिल जाएगा आराम से, आप पास वाले या फिर जहाँ पे आपको दवाई मिलती है वहाँ पर जाओगे और आप बोलोगे ओमीफ्लॉक्स ऑइंटमेंट चाहिए तो आपको मिल जाएगा, ये हर जगह अवेलेबल आपको मिल सकता है, और फिर वहाँ से जाकर आप ख़रीद लेना। और ये अगर आपकी आँख रेड हुई है और बहुत ज़्यादा जलन होता है, इनफैक्ट रेड भी नहीं हुई है, आपके आँख में पानी निकलते हैं, आपके मे भी आँखों में कचड़ा होगा जिससे कि आपका आँख थोड़ा अजीब लगता है आपको आँखें खोलने में और बंद करने में, तो आप फिर भी ये ट्यूब को यूज़ कर सकते हो, ये ऑइंटमेंट को यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आप जाना केमिस्ट शॉप में, ये ऑइंटमेंट ख़रीद लेना, और उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे लगाना है। तो आप रात में सोने टाइम किसी की भी मदद से अपनी आँखों में लगा लेना, लगाने के बाद आपके आँख में जितना भी कीड़ा होगा ना वो सारा निकलता है और आपके आँख में जलन होने लगेगी और आपको लगेगा कि ये मुझे ख़राब कर रहा है, बट ख़राब नहीं, आपके आँख में जितना भी कीड़ा होता है ना वो निकालता है। डर मत जाना कि अरे यार मेरे आँखों में जलन होने लगी है, पानी लाओ, ऐसा मत करना, आपके आँख में जितना भी कीड़ा होता है वो निकल जाते हैं, जिसके कारण से वो ऐसे चलने लगते हैं कीड़ा और वो आँसू के थ्रू निकलते हैं और आपको लगता है कि मेरे आँख में जलन हो रहा है, मुझे साइड इफ़ेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है, ये आपकी आँखों को ठीक करता है, आप डरना मत। और उसके बाद मैं आपको जैसे कि बताई कि रात में आराम से लगा लेना, थोड़ा जलन होगा, उसके बाद 5 मिनट आराम से ठीक हो जाएगा, उसका सो जाना, सुबह उठोगे आपका आँख पूरा नॉर्मल, रेडनेस भी चली जाएगी, एक दिन में चला जाता है, बहुत कमाल का ऑइंटमेंट है ये। आप जाओ केमिस्ट शॉप, अगर आपका भी आँख रेड हुआ है इसे यूज़ करो, आपका आराम से ठीक हो जाएगा, बिकॉज मेरे भी घर में बहुत कोई को होता है तो हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं और सबका ठीक हो जाता है। अगर आपके आँख में जैसे कि मैं आपको बताई रेड नहीं है और कुछ भी प्रॉब्लम हो रहे है आई में, तो आप आराम से लगा सकते हो, ऐसे नहीं कि ये सिर्फ रेडनेस आई के लिए ही बना हुआ है, अगर आपके आँख में कुछ भी प्रॉब्लम है वो उसमें भी आप ये यूज़ कर सकते हो, ये हर आई के लिए, ऐसा नहीं कि जिसकी जिसको कम दिखता है, जिसको ज़्यादा दिखता है, जिसका आँख नॉर्मल है, सभी के लिए। तो चलिए मैं आपको बताई कि इस ये ऑइंटमेंट का आपको कैसे यूज़ करना है, कैसे ये ठीक होगा। अब मैं आपको बताती हूँ आपको अपनी आई का केयर कैसे करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी आँखों में थोड़ा भी खुजली हो रही है, आपको रब नहीं करना है,
क्योंकि हमारे हम बहुत चीज़ छूते हैं, बहुत थिंग्स छूते हैं, उसमें थोड़ा डस्ट लगा रहता है, वो हमारे आँख में चला जाता है, जैसे कि हमें इन्फेक्शन हो जाती है, उसके कारण हमारा आई रेड हो जाता है। तो आपको अपने आई को रब नहीं करना है कुछ भी हो जाए। और हाँ, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कोल्ड वाटर लो और अपने आँखों में ऐसे छिड़कना, अपने आँखों में डालो कि आँखों के अंदर जितना भी कचरा होगा वो निकल जाए। अगर आपको इरिटेशन हो रही है कुछ भी, तो रब मत करना, पानी के थ्रू आप वो गंदगी निकालने की कोशिश करना, और पानी को ठंडे पानी यूज़ करना, गर्म पानी मत करना। हाँ, अगर आप ठंडा पानी मारे हो तो आपको और राहत मिलेगा, आपको आराम मिलेगा, इसलिए ठंडा पानी का यूज़ करना। उससे क्या होगा, आपका अगर आँखों में इरिटेशन हो रही है वो दूर हो जाती है। और हाँ, और मैं ये भी बता देती हूँ, अगर आपको आँखों में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, आप रोज़ सुबह उठो, आँखों में पानी मारो, इससे क्या होता है ना, आपका आँख बहुत अच्छा रहता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती हमारे आँखों को, आराम भी मिलता है, प्रॉपर नींद लेना। सो आई होप आप समझ रहे होंगे कैसे आपको अपनी आँखों का केयर करना है। अगर आपकी आँख रेड हुई है तो आप कैसे ठीक कर सकते हो, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताई हूँ। इनफैक्ट मैं आपको ज़्यादा बता दूँ कि अपनी आँख का आप कैसे केयर कर सकते हो। तो आई होप सो सारा कुछ आप समझ गए, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर प्रेस कर देना। मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।